हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम मैथमेटिक्स में पढ़ने वाले हैं। जो आपके पास पहला चैप्टर आपके पास है, आपके पास रिलेशन एंड फंक्शन आपके पास, ठीक। तो रिलेशन एंड फंक्शन जो आपके पास चैप्टर है, ये हमने थोड़ा सा 11th में भी पढ़ा आपके पास है। तो देखो, पास चैप्टर का नाम आपके पास, पहला चैप्टर आपके पास है रिलेशंस एंड फंक्शंस। पहले आप देख लेते हैं बस में पढ़ना क्या क्या है, ठीक। तो सबसे पहले आपको इसमें पढ़ना आपके पास है रिलेशन में टाइप्स ऑफ रिलेशन, यानी संबंधों के प्रकार। तो कितने प्रकार से आपका संबंध को आपके पास वो बताएगा, ठीक है। दूसरा, आपके पास इसमें रिलेशन में बहुत कुछ आपके पास है, जैसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, उसके अलावा एम्प्टी और यूनिवर्सल रिलेशन तो आपके पास है, ठीक है। दूसरा आपके पास आता है टाइप्स ऑफ फंक्शन। कुछ टाइप्स हमने फलन के 11 में पढ़े हैं, कुछ टाइप इसमें भी आपके पास आएंगे। वन वन ऑन टू, वन वन ऑन टू, यानी आपके पास इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, बायजेक्टिव आपके पास, ठीक है। तो इस प्रकार से फिर इसमें एक आपके पास आता है फलनों का संयोजन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, यानी फलनों का संयोजन। हम यहाँ पर क्या करेंगे, दो या दो से अधिक फलनों से मिलाकर एक नया फंक्शन बनाने वाले हैं, ठीक है। ये आपके पास है संयोजन, आपके पास फलनों का संयोजन। फिर चौथा आपके पास आता है बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑप्शन। वैसे इसमें आपके पास फलनों के संयोजन के बाद वो भी है आपके पास इनवर्टिबल फंक्शन, तो वो भी मैं इसी के इंक्लूड कर रहा हूँ पास, ठीक है। तो बाइनरी फंक्शन यानी द्विआधारी संक्रियाएं। तो ये आपके पास हमने इन चार टॉपिक्स को पढ़ना है। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन शुरू करने से पहले आपको थोड़ा मैं ना अपना पुराना जो हमने 11th में पढ़ा है उसको उसका रिवाइज करेंगे आपके पास, ठीक है। क्योंकि वो भी आपको आना चाहिए, जब तक वो आपको नहीं आएगा तब तक आपको बहुत दिक्कत होने वाली है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि आपके पास 11th का जो थोड़ा टॉपिक आपके पास जो यहाँ यूज़ होने वाला है उनको हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पहला जो हम तो जो रिवीजन में जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपके पास सबसे पहला आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। आपके पास कार्तीय गुणन, हिंदी में कहते हैं कार्तीय गुणन। तो आपने ये शब्द पहले भी पढ़ा है, कार्तीय, कार्तीय तल हमारे पास थे। देखो ये एक्सिस सिस्टम आपके पास है ना, ओ एक्स ओ वाई, इस प्रकार से आपके पास एक्सिस सिस्टम आपने पढ़ा। इसमें कोई बिंदु है पी एक्स वाई, तो ये उस बिंदु के निर्देशांक कहलाते हैं इस कार्तीय तल पर। इस कार्तीय तल में ये बिंदु पी के निर्देशांक हैं। अगर आप बिंदु देखो आपके पास, मैंने कहा मान लो बिंदु कोई आपके पास है 2 3, ये मैंने पी वन मैंने मान लिया, तो आपको पता चल जाएगा कि एक्स निर्देशांक क्या है। ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये क्या है, वाई कोऑर्डिनेट है। तो ये आपके पास देखो, हमने जब भी किसी बिंदु को निरूपित किया हो, पी हो क्यू, मैंने लिख दिया 4 0, तो ये इसमें हमेशा जब इस जो आपके पास युग्म के रूप में हम ये जो अवयवों को निरूपित कर रहे हैं, इस बिंदु के निर्देशांक को क्या कर रहे हैं, युग्म के रूप में निरूपित कर रहे हैं, तो ये आपके पास कार्तीय तल पर बिंदु का निरूपण है। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो कार्तीय गुणन है समुच्चय का। तो यहाँ पर देखो आपके पास जो युग्म बन रहा है ना, युग्म का यूज़ हम यहाँ कार्तीय गुणन में भी करने वाले हैं। तो मैं युग्म के बारे में बता रहा हूँ, तो ये तो मैंने आपको बताया बिंदु में हम क्या करते हैं, बिंदु को निरूपित करने के लिए ये युग्म का यूज़ करते हैं, जिसका एक खास क्या होता है ऑर्डर में हम इन संख्याओं को एक्स वाई को लेते हैं, यानी निर्देशांकों को हम क्या लेते हैं, खास क्रम में। जो पहली संख्या होती है उस युग्म की उसे कहते हैं एक्स निर्देशांक, और दूसरी संख्या को कहते हैं वाई निर्देशांक। तो मतलब ये भी आपके पास क्या है, एक ऑर्डर्ड पेयर, इसे कहते हैं हम ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर यानी बस क्रमित युग्म, हिंदी में कहते हैं क्रमित युग्म। तो ये एक क्रमित युग्म की आवश्यकता हमको पढ़ने वाली है आपके पास है, इसलिए आपके पास जो कार्तीय है, तो कार्तीय जो शब्द है वो हमने पहले भी पढ़ा है 2 डायमेंशन में आपके पास, जब हम कार्तीय निर्देशांकों को निरूपित करते हैं, कार्तीय तल पर किसी बिंदु के निर्देशांक को निरूपित करते हैं, ठीक। तो जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करते हैं, मान आपके पास ए और बी दो के नॉन एम्प्टी सेट, ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी, मतलब ये दोनों के दोनों रिक्त समुच्चय नहीं है बस, ठीक है। तो इनका इनके लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट, अगर आप कहते हैं कि ए क्रॉस बी निकालिए, ये निरूपित करता है कार्टेशियन प्रोडक्ट को। किसे निरूपित करता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट।
ये जो आएगा ये क्या है, कार्तिक गुणन को निरूपित करता है। ए क्रॉस बी क्या निरूपित करा, कार्तिक गुणन को। अब ये जो कैसे निरूपित करा हुआ, देखो ये भी क्या होगा, एक समुच्चय ही होने वाला है। पर समुच्चय तो होगा, पर किन का? ये समुच्चय होगा ऑर्डर्ड पेयर का। ये आपके पास होगा सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, किसका? ये कार्तीय गुणन तो होगा आपके पास, कार्तीय जो युग्म होते हैं ना उनका ही क्या होने वाला, समुच्चय होने वाला है। अब ये ऑर्डर्ड पेयर है तो ऑर्डर्ड पेयर में दो अव्यय होंगे, मैंने कहा ए और बी, ऑर्डर्ड पेयर ए और बी मैंने मान लिया, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर क्या ए और बी। पर ये ऑर्डर्ड पेयर जो ए और बी होंगे उसके लिए बताऊँ क्या होगा, जो फर्स्ट एलिमेंट है ए बिलोंग्स टू ए होगा और जो सेकेंड एलिमेंट है वो बिलोंग्स टू बी होने वाला है। तो ये इस प्रकार से, अब ये क्योंकि समुच्चय है तो समुच्चय को हम कार्तीय रूप में भी लिख सकते हैं और आपके पास रोस्टर रूप में भी लिख सकते हैं आपके पास, ठीक। तो देखिए आपके पास, अब मैंने मान लिया समुच्चय ए है तो ए क्रॉस बी क्या निरूपित करता है, सभी ए बी का समुच्चय। देखो युग्मों का है, ऑर्डर्ड पेयर का समुच्चय है जहां आपके पास ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। तो ये इस प्रकार से आपके पास होने वाला है, ठीक है। पहला जो अव्यय होगा समुच्चय ए से, दूसरा अव्यय बी से लिया जाएगा। तो हमने ये पढ़ा आपके पास, ठीक। तो इसी प्रकार से देखो, हम जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैंने कहा, एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा आपके पास, मान लो ए में आपके पास है एलिमेंट ए बी सी और बी समुच्चय में है 1, 2 और 3। तो अगर मैं ए क्रॉस बी को मैं रे डायग्राम के द्वारा द्वारा दर्शाना चाहता हूँ, तो ए मैंने कहा ये इसमें ए बी सी, इसी प्रकार से ये समुच्चय बी 1, 2 और 3। अगर आपको कार्तिक गुणन को निरूपित करना है तो जो ए क्रॉस बी होता है वो क्या होता है, ऐसा समुच्चय होगा युग्मों का जिसका प्रथम घटक ए से और दूसरा घटक बी से लिया जाए। तो हमको करना क्या होगा, इस ए के सभी अवयवों को बी के सभी अवयवों के साथ युग्म के रूप में लिखना होगा। मतलब इसका युग्म इसके साथ भी, इसका युग्म इसके साथ भी, इसका युग्म इसके साथ भी, ऐसे ही बी के साथ भी, इसका युग्म 1 के साथ भी, इसके साथ भी, 3 के साथ भी, ऐसे सी के साथ भी, ये सबके साथ इसका युग्म बनेगा। मतलब आपके पास ए क्रॉस में बी भी मिलेगा। देखो युग्म ऐसा होना चाहिए कि प्रथम घटक ए से और दूसरे घटक बी से, मतलब ए के साथ 1 पॉसिबल है, ए के साथ बी पॉसिबल, सॉरी 2 पॉसिबल है और ए के साथ 3 पॉसिबल है। इसी प्रकार बी के साथ भी, बी के साथ 1, बी के साथ 2, बी के साथ 3 और इसी प्रकार से सी के साथ 1, सी के साथ 2, सी के साथ 3। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, ए क्रॉस बी को परिभाषित कर सकते हो, ठीक। तो ये ए क्रॉस बी है, ठीक। ये तो कार्तीय गुणन हो गया। अगर मैं बोलूँ समुच्चय, ये जो कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी है इसका ये समुच्चय निर्माण रूप, और ये क्या हो गया आपके पास रोस्टर रूप में, मैंने समुच्चय लिख दिया, ये ए क्रॉस बी लिख दिया, ठीक। अगर बी क्रॉस ए होता तो इनका क्रम क्या होता, ठीक उल्टा, क्या होता, पहला अवयव बी से और दूसरा अवयव ए से। ये तो आपके पास कार्तिक गुणन है, ठीक। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कार्तिक गुणन आपके पास परिभाषित है आपके पास, ठीक।